वालेकुम अस्सलाम। किराया यार वेस्ट किराया मुझे 15 दिन और दे दो यार। ये क्या 15 दिन यार आमिर भाई, जब देखो 15 दिन यार, कल भी आपकी शॉप बंद थी यार। यार तुम ठीक कह रहे हो लेकिन मैं किराया तुम्हें बस 15 दिन का मुझे और टाइम। 15 दिन का नहीं भाई, वो अबू होते थे जो रियायत देते थे, मैं रियायत नहीं दूंगा, मैं सीधा सीधा बात कर रहा हूँ। 15 दिन का टाइम थोड़ी यार, जब देखो आप 15 दिन यार किराया लेने आता है, आपने 8 महीने हो गए, 8 महीने से आपने किराया नहीं दिया, अभी भी आपके 15 दिन लॉकडाउन था। लॉकडाउन है तो क्या यार, हमें किराया नहीं दोगे आप? आपकी बात ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम नहीं था। अभी रमजान है, थोड़ा काम आया है, तो आप बेफिक्र तो इंशाल्लाह भाई मैं आपको कल तक का टाइम दूंगा। अगर आपने कल तक दे दिया, नहीं आपने कल तक दे दिया तो ठीक है, मैं सामान बाहर निकाल दूंगा। अरे नहीं मैं शटर बंद कर दूंगा। नहीं 15 दिन का यार आमिर भाई, ऐसे आपके वालिद साहब से भी तो बात होती है, वो वालिद साहब थे, मैं नहीं करता भाई, माजरत के साथ मैं नहीं करूंगा। वो ठीक है, वो आपके ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा देख लो यार, मुझे 15 दिन का अगर और टाइम दे दो भाई, 15 दिन ये सब मेरे सूट लटक जाएंगे यार, मेरे कस्टमर लटक जाएंगे। तो ये आपको पहले देखना चाहिए था ना भाई, आपको ये पहले देखना चाहिए था, आपको किराया भी देना है। आप डेट देख रहे हो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पहली तारीख तक किराया होता है, 26 तारीख को ने मार दिया है भाई, और कोरोना भाई मुझे कल तक का किराया चाहिए। अगर आप कल नहीं दोगे मैं सामान निकाल के बाहर फेंक दूंगा, मैं बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, मैं शटर बंद कर दूंगा। मैं कल आऊँगा, कल आके अगर आपने किराया दे दिया तो ठीक है, आप मुझे शाम तक बता देना भाई, मैं किराया दे दूंगा ठीक है, वरना कल बंदे ला के मैं सामान बाहर निकाल के शटर बंद कर दूंगा भाई, बाकी आप देख लो भाई। الله أكبر الله أكبر या अल्लाह या मेरे पाक परवरदिगार,
अब तो जानते हैं या अल्लाह पाक ये कैसी मुसीबत मुझ पर आई है। रमज़ानों के दिन है या अल्लाह पाक गैब से मेरी मदद फरमा। या अल्लाह पाक ये 8-9 महीने का किराया मैं कहाँ से अदा करूँगा। या अल्लाह पाक कोई वसीला बना दीजिएगा, बहुत परेशान हूँ। या अल्लाह पाक आपकी बारगाह में दुआ करता हूँ, या मेरे पाक परवरदिगार मेरी इस परेशानी को दूर फरमाएगा। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है मास्टर साहब, ये एक सूट है सिलवाना है और मुझे परसों मेरी फ़्लाइट है, मुझे कल जाना है शाम में, कल मेरी फ़्लाइट है। मिल जाएगा तो इंशाल्लाह, कोशिश कर देना आपको दे दें। परसों मेरी फ़्लाइट है। आ जाए, माफ दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शाह खालिद। ठीक है ठीक है, आप आ जाइए इंशाल्लाह कल, कोशिश करके आपको दे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। लाजी है वॉलेट कितना पड़ा? वॉलेट पड़ा तो पैसे हैं, किसका है यार ये? पता नहीं, ये शायद उनका होगा जो नाप देने आए थे भैया। हाँ हाँ हाँ, अभी वो जो आए थे खालिद साहब। चलो ठीक है, आप काम करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, खालिद साहब बात कर रहे हैं? अच्छा खालिद साहब, मैं मास्टर बात कर रहा हूँ, अभी आप आए थे ना अपना सूट देकर गए थे सिलने के लिए। जी 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 जी, तो आप ये अपना वॉलेट भूल के चले गए। जी, जब मैं आपका नाप ले रहा था ना तो आप ये वॉलेट भूल कर चले गए। जी जी जी, हाँ तो आप आ जाएँ, आके ले जाएँगे, आप बेफिक्र हैं, अमानत है जी। नहीं नहीं, मैं कैसे रख सकता हूँ भाई? नहीं खालिद साहब, मैं क्यों रख लूँ? हाँ ठीक है, जी जी जी, लेकिन आपको कैसे पता? नहीं, आपको कैसे पता कि मैं परेशान हूँ और ये मुझे 9 महीने का किराया देना है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन बात तो सुने। हेलो, या अल्लाह,
या अल्लाह आपका शुक्र है, आपका एहसान है मेरे। वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है पर किसी किसी को चुनता है। वो मौला लिख दुआएं मांगेंगे, चल ईद के चांद पे टांगेंगे, अल्लाह वो खुद ही पढ़ लेगा, जो है दूर पास बुलाएंगे।